नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मसूरी में बी फार्मा के दो छात्र गिरफ्तार, बुलेट के शौक ने बनाया चोर। मसूरी पुलिस ने बुलेट के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। युवकों को बुलेट में घूमने का शौक था, ऐसे में अपने शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने बुलेट की चोरी की थी। दोनों आरोपी देहरादून के नामी विश्वविद्यालय के छात्र हैं। अब घर बैठे करें ई चालान का ऑनलाइन भुगतान, नहीं भटकना पड़ेगा इधर उधर। उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस लगातार अपने आप को अपडेट करने के साथ नए प्रयोग कर रही है। इससे न सिर्फ ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है, बल्कि आम आदमी को काफी सहूलियत भी मिल रही है। पहले उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान की शुरुआत की थी, वहीं अब ई चालान के ऑनलाइन भुगतान की योजना की तैयारी है, ताकि आम आदमी घर बैठे ई चालान का ऑनलाइन भुगतान कर सके। हेलंगाड़ी में ग्रामीण महिलाओं से बदसलूकी पर भड़की UKD, CM को ज्ञापन भेज कार्रवाई की मांग। चमोली के हेलंग गांव में ग्रामीण महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी की घटना पर हल्द्वानी में UKD ने प्रदर्शन किया। UKD ने नारे प्रदर्शन करते हुए SDM के माध्यम से CM को ज्ञापन भेजकर तत्काल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर जा रहे कांवड़े की सड़क दुर्घटना में मौत। हरिद्वार से गंगाजल पैदल लेकर दिल्ली लौट रहे कांवड़े को मंगलौर के पास बाइक सवार कांवड़े ने टक्कर मार दी। इस हादसे में कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में बाइक सवार कांवड़ियों को हिरासत में ले लिया है। काशीपुर में बीजेपी प्रादेशिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन, CM धामी हुए शामिल। बीजेपी के प्रदेश प्रशिक्षण विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय प्रादेशिक प्रशिक्षण वर्ग का समापन हो गया है। समापन मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं का अनुशासन का पालन करने, संगठन के प्रति ईमानदार से काम करने को कहा। श्रम विभाग और पुलिस ने गर्ल्स हॉस्टल में मारा छापा, बिहार के दो नाबालिगों का रेस्क्यू किया। श्रम विभाग ने ऋतुपुर के गर्ल्स हॉस्टल में छापेमारी कर दो नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया है। दोनों बच्चे बिहार के रहने वाले हैं। विभाग ने कार्रवाई बचपन बचाओ संस्था की शिकायत पर की है। वहीं अब विभाग और पुलिस हॉस्टल संचालक और वार्डन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जा रहा है। मरीज इलाज के लिए बोलता रहा, बदले में डॉक्टर ने गर्दन पकड़ धमकाया, देखे वीडियो। संयुक्त चिकित्सालय रामनगर के डॉक्टर के तीमारदार को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अस्पताल की CMS ने बताया कि अस्पताल संचालक को हर माह 20 से अधिक नोटिस भेजे जाते हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो देखने के बाद मेरे द्वारा PPP मोड के संचालक को लिखित जवाब मांगा गया है। इस डॉक्टर के द्वारा जो वीडियो में दिख रहा है उस पर प्रतिक्रिया मांगी गई है। टिहरी के एदी गांव में मनाया गया सेब दिवस कार्यक्रम, गणेश जोशी ने किया शुभारंभ। एदी गांव के नारायण उद्यान में सेब दिवस कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर सेब दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज किसानों को नई टेक्नोलॉजी के साथ कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है, जिसका फायदा हर किसान को मिल रहा है। उन्होंने कहा हम 5 साल में बागवानी के क्षेत्र हिमाचल तक पहुँच जाएंगे। पिथौरागढ़ में मिला युवती का अजला शव, पुलिस जांच में जुटी। जिला मुख्यालय के नजदीक गांव में चैसर के कुड़ी ताल में एक युवती का अजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते शव की सूचना पूरे क्षेत्रवासियों में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लोकतंत्र बचाओ नारे के साथ सड़कों पर कांग्रेस, सोनिया गांधी की ईडी में पेशी का जबरदस्त विरोध। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने तलब किया। इसके विरोध में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में देहरादून में भी नेता यशपाल आर्य और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया है। रुड़की मेयर गौरव गोयल की बड़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए कार्रवाई के आदेश। रुड़की नगर निगम गौरव गोयल की मुश्किलें बढ़ गई है। पद के दुरुपयोग मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से 2 महीने के भीतर नगर निगम एक्ट में संशोधित धारा 16 के तहत गौरव गोयल की कार्रवाई करने को कहा है। कांग्रेस ने DGP को सौंपा ज्ञापन, पुलिस भर्ती और नशे के बढ़ते कारोबार को बनाया मुद्दा। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड DGP अशोक कुमार को जिलेवार पुलिस भर्ती, पुलिस ग्रेड पे नशे के कारोबार पर रोक लगाने और कांग्रेस पार्षद कोमल बोरा के साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर ज्ञापन सौंपा। पुलिसकर्मी का रास्ते में पड़ा मिला 68,000 वाला आईफोन 13 मोबाइल, स्वामी को किया सपोर्ट। पौड़ी में मित्र पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। नीलकंठ क्षेत्र में जिला पंचायत बैरियर के पास पुलिसकर्मी संदीप नेगी को ड्यूटी के दौरान आईफोन 13 पड़ा मिला। संदीप नेगी ने मोबाइल स्वामी को फोन सुपुर्द कर दिया। आशुतोष डेमरी ने गणेश गोदयाल को भेजा कानूनी नोटिस, पेचीदा हुआ BKTC मामला। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष डिमरी और गणेश गोदयाल आमने सामने आ गए हैं। इतना नहीं, मामले में आशुतोष डिमरी ने गणेश गोदयाल को कानूनी नोटिस भेज दिया है। साथ ही कहा कि अगर गणेश गोदयाल ने उन पर आरोप लगाए आरोपों का प्रमाण पेश करते हैं तो वो सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेंगे। नंदा राजजात यात्रा मार्ग निर्माण धनली मामला, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्णय लेने का आदेश। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी द्वारा नंदा राजजात यात्रा मार्ग के निर्माण कार्यों में सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन के आधार पर 2 माह के भीतर निर्णय लेने के आदेश दिया है।
उत्तराखंड पुलिस की शानदार पहल, इन्हें मिलेगा थाने और कोतवाली में कांवड़ गंगा जल। उत्तराखंड पुलिस ने शानदार पहल शुरू की है। इसके तहत यदि किसी भी शिव भक्त की कांवड़ रास्ते में क्षतिग्रस्त हो जाती है या हादसे का शिकार होती है तो उसे नजदीकी कोतवाली या थाने से कांवड़ व गंगा जल मुहैया कराया जाएगा। इस पहल की जमकर सराहना हो रही है। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने मानी छात्रों की मांग, स्नातक द्वितीय सेमेस्टर के फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई। हेमवती नंदन बहुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में छात्रों और परीक्षा नियंत्रक के बीच तीन सूत्रीय मांगों को लेकर तनातनी हो गई थी। आक्रोशित छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरुण रावत उनके ही कार्यालय में कैद किया था। अब छात्रों के दबाव के आगे विश्वविद्यालय प्रशासन झुक गया है और उनकी एक मांग मान ली गई है। कांवड़ी के चलती बाइक बनी आग का गोला, पेट्रोल पंप का फायर स्प्रे भी निकला फुस। हरिद्वार के कनगल थाना क्षेत्र के देश रक्षक तिराह के पास एक कांवड़ी की चलती बाइक में आग लग गई। आग लगते ही कांवड़िया मौके पर बाइक छोड़कर आग बुझाने के लिए सामने स्थित पेट्रोल पंप से फायर स्प्रे लाए, लेकिन वह भी खाली निकला और कुछ ही देर बाद बाइक जलकर स्वाहा हो गई। हालांकि आसपास के लोगों ने बाइक को बचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन नाकामयाब रहे। बाइक सवार कांवड़िया लक्सर की ओर जा रहा था। देहरादून में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 1.26 करोड़ कैश के साथ हिरासत में 14 लोग। उत्तराखंड एसटीएफ ने देहरादून से एक फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ ने कॉल सेंटर से 14 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। एसटीएफ ने मौके से 1.26 करोड़ का कैश भी बरामद किया है। हरिद्वार ऋषिकेश के बीच चीला मार्ग पर यात्री बस पलटी, कई लोग घायल। ऋषिकेश जा रही एक बस काली मंदिर से थोड़ा आगे हादसे का शिकार हो गई। यहाँ यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कई लोगों को चोट आई है। मौके पर पहुंची पुलिस व एम्बुलेंस के जरिए सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बस टनकपुर से आ रही थी। देहरादून में 5 सितंबर हैप्पी टीचर्स डे फिल्म की शूटिंग, उत्तराखंडी रैपर वासु का लगेगा तड़का। देहरादून में 5 सितंबर हैप्पी टीचर्स डे फिल्म की शूटिंग चल रही है। इस फिल्म में उत्तराखंड के कई कलाकार भी अभिनय कर रहे हैं, जबकि फिल्म के गाने में उत्तराखंड के रैपर वासु का रैप का तड़का भी लगेगा। वहीं फिल्म के नायक संजय मिश्रा ने भी फिल्म की कुछ जानकारियां साझा की हैं। लक्सर, सहकारी बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से हड़पे 10 लाख रुपए। उत्तराखंड में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले जगह जगह फैले हुए हैं। नया मामला लक्सर से सामने आया है। यहाँ एक युवक ने पुलिस से शिकायत किया कि एक शख्स ने सहकारी बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर उसे 10 लाख रुपए हड़प लिए हैं। साध्वी प्राची को सिर तन से जुदा करने की मिली धमकी, सरकार से सुरक्षा की लगाई गुहार। विश्व हिंदू परिषद के फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची को उनके हरिपुर कला स्थित वैदिक निकेतन आश्रम में धमकी भरा लेटर मिला है, जिसमें उनका सर तन से जुदा करने की बात लिखी गई है। वही लेटर में सीएम योगी का भी जिक्र है। ऐसे में साध्वी प्राची ने सरकार से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। रुद्रप्रयाग पुल शटरिंग गिरने के मामले में बड़ा एक्शन, जेल भेजे गए प्रोजेक्ट मैनेजर और सहायक इंजीनियर। रुद्रप्रयाग के नरकोटा के पास ऑल वेदर रोड के निर्माणाधीन पुल की शटरिंग गिरने के मामले पर निर्माणाधीन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और सहायक इंजीनियर को जेल भेज दिया गया है। बुधवार को हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। वहीं मजदूरों के परिजनों की तहरीर पर प्रोजेक्ट मैनेजर और सहायक इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बेरीनाग, घास लेने गई महिला पर गुलदार ने किया हमला। तहसील मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूरी त्रिपुरा देवी के पास जंगल में भंडारी गांव निवासी दीपा देवी पर गुलदार ने हमला कर दिया। इस हमले में महिला बुरी तरीके से घायल हो गई। महिला के सर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। मुख्य सचिव ने NHAI अधिकारियों के साथ की बैठक, सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्य सचिव SS संधू ने सचिवालय में NHAI अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सड़क परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। इश्क क्या न कराए, गर्लफ्रेंड को भगाने के लिए बना चोर, लड़की तो नहीं लेकिन मेरी। प्यार में बाइक चोरी कर लड़की को भगाने वाले युवक की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। मेरठ निवासी इस युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को घर से भगाने के बाइक चोरी करने का कारनामा कर डाला। युवक को भले ही उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मिली, लेकिन उसे जेल की हवा जरूर खानी पड़ी। निजी कार्यक्रम का अफसरों को न्योता देने पर बोली मंत्री, कनपटी पर बंदूक रखकर नहीं दिया निमंत्रण। अफसरों के साथ आपसी विवाद में रहने वाली खाद्य मंत्री रेखा आर्य एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। अपने निजी कार्यक्रम में विभाग के अफसरों को निमंत्रण देने के मामले पर बुरी तरीके से फंसी रेखा आर्य ने स्पष्टीकरण में विवादित बयान दिया है। वहीं निमंत्रण और अविवादित बयान देकर कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। खटीमा में थारू जनजाति के लोगों का विरोध प्रदर्शन, अजय सिंह रावत की किताब बैन करने की मांग। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के प्राध्यापक एवं निदेशक प्रोफेसर अजय सिंह रावत द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास में थारू जनजाति पर की गई अपमानजनक टिप्पणी से नाराज थारू जनजाति की सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों ने खटीमा शहर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रोफेसर अजय सिंह रावत द्वारा लिखी गई पुस्तक को तत्काल बैन करने व प्रोफेसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस को ज्ञापन दिया है। फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप, यमकेश्वर क्षेत्र में मक्के की फसल पर फॉल आर्मी वर्म कीट का आतंक, जाने कैसे बचाएं अपनी फसल। पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में गांव में फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस वजह से किसानों की मक्के की फसल बर्बाद हो गई है। इतने नई मक्की की पत्तियां मवेशियों के चारे के लायक भी नहीं बच पाई है, जिससे किसान मायूस है। वही कीट वैज्ञानिक निष्ठा रावत ने इस कीट से फसल को बचाने की जानकारी दी है। उत्तरकाशी, स्कूल जाने के लिए नाला पार करना बच्चों की मजबूरी।
उत्तराखंड में बारिश की वजह से पहाड़ पर जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रखा है। गुरुवार को बरसाती नाले उफान पर आने से छात्र स्कूल में ही फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से स्टाफ ने बरसाती नाले को पार कराया, तभी कहीं जाकर बच्चे अपने घर जा सके। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।